एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑल अबाउट एंथ्रोपोलॉजी। फर्स्टली सॉरी, पिछले हफ्ते मैं कोई वीडियो नहीं अपलोड कर पाई बिकॉज ऑफ सम हेल्थ इश्यूज, बट नाउ इन टुडेज़ वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस एंथ्रोपोलॉजी यूजीसी नेट 2020 नवंबर 2020 में जो पेपर हुआ था उसको हम डिस्कस करेंगे, और हम केवल 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम आप 100 क्वेश्चन क्यों नहीं सॉल्व करा देती एक वीडियो में। देखिए, मेरा मोटिव ये नहीं है कि मैं आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व कराऊं और क्वेश्चन पढ़ूं और उसका आंसर बता दूं हाँ दिस इज द राइट आंसर और मैं आगे बढ़ जाऊं। मैं इस पर बिलीव ही नहीं करती। मैं बिलीव करती हूं कि अगर आपको कोई क्वेश्चन बता रही हूं, कोई कॉन्सेप्ट बता रही हूं, मैं उसको प्रॉपर एक्सप्लेन करूं, उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आपको दूं, सो दैट कि अगर वो क्वेश्चन नए तरीके से हल्का सा भी चेंज करके, या फिर अगर आप किसी कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ रहे हैं तो उससे अगर उससे रिलेटेड कुछ भी कुछ न्यू अगर कॉन्सेप्ट कुछ न्यू ऑप्शन में आ जाए तो ऐसा ना हो कि आपको उसके बारे में पता ही ना हो। ठीक है, सो इस वजह से मैं 20 क्वेश्चन अपलोड करूंगी, सो दैट कि वीडियो भी लंदी ना हो और आपको उसका प्रॉपर क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट पता हो, साथ ही साथ उसका एक्सप्लेनेशन आपके पास हो। ठीक है, सो आई सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच अमेरिकन विमेन एंथ्रोपोलॉजिस्ट पब्लिश द बुक रिटन टू लाफ्टर इन द ईयर 1954 अंडर द स्यूडोनिम एलोर स्मिथ बॉबिन। मतलब किस विमेन एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने रिटन टू लाफ्टर नामक बुक पब्लिश की 1954 में स्यूडोनिम यूज करके, एलोर स्मिथ बॉबिन। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि स्यूडोनिम क्या होता है। सो स्यूडोनिम, स्यूडो मतलब होता है फॉल्स, निम मतलब नेम। ठीक है, मतलब फॉल्स नेम, मतलब अपना ओरिजिनल नेम ना यूज़ करके कोई दूसरा नाम यूज़ करना। लाइकवाइज हम लोग जैसे करते हैं रिसर्च एथिक्स में, ओके, रिसर्च एथिक्स में भी हम लोग यही चीज़ करते हैं कि जब हम अपने रिस्पॉन्डेंट से उसका कंसेंट लेते हैं कि वेदर हम आपका नाम, जो आपका ओरिजिनल नाम है, वो अपने रिसर्च में अपने जो हमारा जो डिसर्टेशन है थीसिस है उसमें आपका ओरिजिनल नाम यूज़ करें, या फिर उसको ना यूज़ करके हम जो है कोई स्यूडोनिम यूज़ कर लें। ठीक है, तो अगर उसका कंसेंट रहता है कि नहीं हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप हमारा ओरिजिनल नाम यूज़ कर सकते हैं, सो हम वहाँ पर ओरिजिनल नाम डालते हैं। लेकिन अगर उसको कोई प्रॉब्लम है कि आप हमारा ओरिजिनल नाम ना यूज़ करें, तो वहाँ पर हम नेम चेंज कर देते हैं और वही हम क्या यूज़ करते हैं, स्यूडोनिम। ओके, सो इन द सेम वे एलोर स्मिथ बॉबिन ने भी अपनी इस बुक रिटन टू लाफ्टर 1954 में जो आई थी उसमें अपना स्यूडोनिम यूज़ किया, और वो स्यूडोनिम था एलोर स्मिथ बॉबिन। ओके, लेकिन इनका ओरिजिनल नाम क्या था, कौन कौन विमेन एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे जिन्होंने ये नेम यूज़ किया था एक्चुअल में। ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, लॉरा बोहनान। अब इतना कुछ जो मैंने एक्सप्लेन किया वो उन लोगों को जरा भी नहीं जरूरत पड़ी होगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त, जिन लोगों ने मेरा वीडियो देखा होगा ऑन लॉरा बोहनान, जो कि मैंने फीमेल एंथ्रोपोलॉजिस्ट की सीरीज में पढ़ा रखा है लॉरा बोहनान के बारे में। सो लॉरा बोहनान के बारे में इतना ही जानना जरूरी नहीं है। अगर लॉरा बोहनान ऐसे पूछी गई है तो हो सकता है कि इनसे रिलेटेड और भी क्वेश्चन पूछे जाए आने वाले एग्जाम में। सो आप लोग को चाहिए कि आप लोग जाके ये वीडियो जो मैंने लॉरा बोहनान के ऊपर बनाया है उसको भी देख लें, क्योंकि क्या होता है कि अगर इनसे रिलेटेड कोई भी टॉपिक मान लीजिए पूछा गया, सो दैट आप उसको भी सॉल्व कर सकें। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग एबोरिजिनल ग्रुप हैड बीन स्टडीड बाय रेटली ब्राउन। इसमें से किस एबोरिजिनल ग्रुप की स्टडी रेटली ब्राउन ने की है, चेंचू, जूनी, करेरा या फिर नायर। तो देखिए, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, दैट इज करेरा। ठीक है, इसकी स्टडी की है किसने, रेटली ब्राउन ने की है। ओके, और इसके अलावा रेटली ब्राउन ने और किन किन ट्राइब्स की स्टडी की है, सो वो भी जान लेते हैं। अगर मान लीजिए आगे कभी पूछा गया तो आपको पता रहना चाहिए। वो है अंडमानीज, ये तो बहुत फेमस है, एग्जाम में पूछा भी गया है, तो ये तो सबको पता रहता है। लेकिन इन्होंने जैसा भी मैंने बताया कि करेरा जो कि एक ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिनल ग्रुप है वहाँ की स्टडी की है, इसके साथ साथ इन्होंने ओमाहा की स्टडी की है, और लास्ट में कॉकटाहा। ठीक है, कॉकटाहा ग्रुप की, तो ये चार जो है ओरिजिनल ग्रुप्स की स्टडी या फिर ट्राइब्स की स्टडी रेटली ब्राउन ने की है, जो कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसको आप नोट कर ले। लेकिन इस क्वेश्चन को हम लोग एक तरीके से और सॉल्व कर सकते थे अगर आपको ये नहीं पता था कि इसका करेक्ट ऑप्शन करेरा है या फिर रेटली ब्राउन ने इस ट्राइब की स्टडी की है। वो कैसे, वैसे कि अगर आपको ये पता होता कि इन तीन ट्राइब्स की स्टडी किसने की है, सो आपको करेक्ट ऑप्शन पता लग जाता, जो कि ये तीनों ट्राइब बहुत फेमस है। सबसे पहले चेंचूज, इसकी स्टडी की है किसने, हेमिनड्रॉफ ने, इनकी बुक ही है इस पर, हेमिनड्रॉफ ने, बहुत फेमस है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है जूनी, जूनी को आपको तुल एंड डोबू, रूथ बेनेडिक्ट, इस पर भी मैंने वीडियो बनाया, रुथ बेनेडिक्ट पर भी आप जाके देख सकते हैं। थर्ड वन इज नूअर, तो आपको पता है कि इवांस प्रिचार्ड ने नूअर और अजेंडे दो ट्राइब पे काम किया। ठीक है, सो आप ऐसे भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपसे पूछ रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग सिंबॉलिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट कॉल्ड फॉर एन एक्सपेरिमेंटल और प्लेफुल एंथ्रोपोलॉजी। मतलब किस सिंबॉलिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने एक्सपेरिमेंटल और प्लेफुल एंथ्रोपोलॉजी की बात की है। ठीक है, सो ऑप्शंस आर विक्टर टर्नर, क्लिफर्ड ग्रेस, मैरी डॉगलस या फिर ब्रूस कैफेरर। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये तीनों, विक्टर टर्नर, क्लिफर्ड ग्रेस, मैरी डॉगलस, ये तीनों फेमस क्या है, सिंबॉलिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं। इन तीनों ने सिंबॉलिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट फील्ड में काम किया है। बट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज विक्टर टर्नर। विक्टर टर्नर जो है वो एक्सपेरिमेंटल और प्लेफुल एंथ्रोपोलॉजी की बात करते हैं। इन्होंने बुक ही लिखी है एंथ्रोपोलॉजी ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, और इन्होंने क्या बुक लिखी है, इन्होंने बुक लिखी है फ्रॉम रिचुअल्स टू थिएटर। ओके, तो जो विक्टर टर्नर थे इन्होंने प्लेफुल या फिर एक्सपेरिमेंटल एथनोग्राफी के ऊपर बहुत इम्फोसाइज किया। ठीक है, और आजकल लोग यूज़ भी करते हैं प्लेफुल एथनोग्राफी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर आपसे पूछ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू सेमेंटिक किन सिस्टम आइडेंटिफाई बाय मॉर्गन। मॉर्गन ने जो किन सिस्टम आइडेंटिफाई किया था उसमें से सेमेंटिक किन सिस्टम, इसमें से कौन बिलोंग करता है, आर्मेनियंस, पार्शियंस, तुर्क या फिर एस्टोनियन। ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन है, दैट इज आर्मेनियंस। सो आर्मेनियंस सेमेटिक किन ग्रुप में आते हैं। सेमेटिक किन ग्रुप क्या होते हैं, ऐसे लोग जो कि रिलेटेड लैंग्वेज बोलते हैं, मतलब जिनकी लैंग्वेज एक दूसरे से काफ़ी रिलेट करती है। ठीक है, जैसे इसमें आर्मेनियंस आते हैं, इनमें आर्मेनियंस आते हैं, वन सेकेंड आई विल टेल यू, आई एम कॉलिंग रिकॉलिंग, या इनमें हिब्रूज आते हैं। ओके, इनमें हिब्रूज आते हैं, वन सेकेंड, सो इनमें हिब्रूज आते हैं, आर्मेनियंस आते हैं, अरब्स आते हैं। ठीक है, सो ये सारे और इथोपियन ट्राइब्स भी आती हैं, तो ये सेमेटिक ग्रुप में आते हैं बिकॉज ये जो है मोर ऑर लेस इनकी लैंग्वेज होती है काफ़ी एक दूसरे से रिलेट करती है। ठीक, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फाइव।
क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछ रहा है, ट्रांसफर टू एंथ्रोपोलॉजी जैकब डेरिडास मेथड ऑफ इंक्वायरी इफेक्टिवली इंटेंस। ओके, सो जो जैकब डेरिडा की इंक्वायरी मेथड था वो इफेक्टिवली क्या 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 किस बारे में बात करता था? डिस्कर्सिव टेक्स्ट, नॉलेज एज सिचुएटेड, इंड ऑफ एथनोग्राफिक अथॉरिटी या फिर ग्रैंड नैरेटिव। देखिए, सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी इंड ऑफ एथनोग्राफिक अथॉरिटी, बिकॉज जैकब डेरिडा जो थे उन्होंने यू नो कॉन्सेप्ट दिया था लोगो सेंट्रिज्म का, फिर इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था डिकंस्ट्रक्टिव थ्योरी का, जिसके बारे में हम लोग ने बात किया था जब हम लोगों ने मैरिलिन स्ट्रैथन का वीडियो अगर आप देखोगे तो उसमें मैंने समझाया डिकंस्ट्रक्टिव थ्योरी को, और इन्होंने बात की थी डिफरेंस की। ठीक है, ये तीन मेन कॉन्सेप्ट ये देखते हैं, और बेसिकली इसमें यही कहते हैं कि यू नो जैसे हम लोग कहते हैं कि कोई कहे कि इन तीनों कॉन्सेप्ट का मेन मतलब समझिए कि जैसे कोई कहता है कि हम जो किसी ने बात कर दी वो पत्थर की लकीर हो गई कि हाँ अभी कभी नहीं बदलने वाली, तो जैकब डेरिडा इसी के अगेंस्ट है, वो कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है कि कोई यू नो अंतिम वाक्य नहीं होता है कि अंतिम सत्य या फिर अंतिम वाक्य यही हो गया, इसके बाद तो कोई कुछ है नहीं, कुछ चेंज नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा नहीं, सिचुएशन और कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से चीज़ों के मतलब बदलते हैं, मीनिंग बदलती हैं, ठीक है, और एज पर कॉन्टेक्स्ट जो वर्ड या फिर साइंस होते हैं उनकी मीनिंग यू नो चेंज होती रहती है। फॉर एग्जांपल मैंने जैसे एग्जांपल ये दिया था कि अगर पहले आप किसी को एप्पल दिखाते तो हाँ ये वो कहता कि हाँ ये एप्पल है, बट अगर आप एप्पल की अगर आप एप्पल की बात करेंगे तो लोग उसको आईफोन भी समझ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, या फिर हम लोग ये फिंगर की बात करते हैं, ये जो साइन बनाते हैं, तो कई लोग कहते हैं कि हाँ ये इसको कोई जीरो भी समझ सकता है, कोई इसको यू नो अच्छा मानता है कि इन अ गुड वे लेता है। ठीक है, ठीक, ऐसे थम्स अप का अगर एग्जांपल ले लें, ठीक है, तो सबकी मीनिंग यू नो आप एक टाइम पे एक मीनिंग नहीं हो सकती, मीनिंग जो है वो चेंज होती रहती है, यही बात करते हैं। सो इंड ऑफ एथनोग्राफिक अथॉरिटी की बात करते हैं जैकब डेरिडा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, हु अमंग द फॉलोइंग हैज क्रिटिसाइज मार्गरेट मीड स्टडी ऑन समोअन सोसाइटी। किसने मार्गरेट मीड की स्टडी जो थी जो सामोआ पे वेरी फेमस स्टडी उसको क्रिटिसाइज किया था? एलनॉर ब्रूक पिकॉक, रूथ बेनेडिक्ट, एडवर्ड सैपियर, फिर डेरिक फ्रीमैन। सो ये भी मैं मार्गरेट मीड की वीडियो में फुल्ली बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ कि मार्गरेट मीड को जिसने क्रिटिसाइज किया हुआ था वो थी डेरिक फ्रीमैन। फ्रीमैन ने मार्गरेट मीड को यू नो कहा था कि ये अपने इन्होंने अपने सुपरवाइजर दैट इज फ्रांस बोआस को फ्रांस बोआस को यू नो प्लीज करने के लिए, खुश करने के लिए बहुत रॉन्ग डेटा दिया, इनकी मेथडोलॉजी रॉन्ग थी। ठीक है, सो इस तरीके से ये मीड, इसको बोलते हैं मीड और फ्रीमैन कॉन्ट्रोवर्सी। ठीक है, सो ये मीड और फ्रीमैन कॉन्ट्रोवर्सी काफ़ी फेमस हुई थी। सो ये मैंने रूथ बेनेडिक्ट सॉरी ये मैंने मार्गरेट मीड के जो मैंने वीडियो बनाया उसमें बहुत अच्छे समझाया, आप उसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है रोनाल्ड एंडिन डेमोंस्ट्रेटेड द रेलेवेंस ऑफ ओरिएंटलिस्ट क्रिटिक फॉर साउथ एशियन स्टडीज इन हिज बुक। मतलब किस बुक में रोनाल्ड इंडन ने डेमोंस्ट्रेट किया था ओरिएंटलिस्ट क्रिटिक का? ठीक है, ठीक, अपनी साउथ एशियन स्टडीज में। तो सबसे पहले देखिए जान लेते हैं कि जो रोनाल्ड एंडन थे ये एक अमेरिकन इंडोलॉजिस्ट थे। इंडोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो कि इंडिया को उसकी उनकी किताबों से समझने की कोशिश करते हैं, उनकी पर्सपेक्टिव से। फॉर एग्जांपल अगर आप जीएस घुरे का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, या फिर आप मैरी डॉगलस का एग्जांपल लेते हैं, तो ये एंड्रे बेते का एग्जांपल लेते हैं, तो ये लोग क्या थे? नॉट मैरी डॉगलस, एंड्रे बेते, जीएस घुरे, मैं श्रीनिवास, ये लोग इंडोलॉजिस्ट थे, बिकॉज इन्होंने इंडिया को इंडिया की किताबों से पढ़ने की कोशिश की, उसके पर्सपेक्टिव से पढ़ने की कोशिश की। ऑन दी अदर हैंड जो ये ओरिएंटलिज्म की बात कर रहे हैं कि ओरिएंटलिस्ट क्रिटिक की जो बात कर रहे हैं, ये ओरिएंटलिज्म का जो कॉन्सेप्ट ही था इसको दिया था एडवर्ड, सो जो ओरिएंटलिज्म का कॉन्सेप्ट था इसको दिया ही था एडवर्ड साइड ने। सो एडवर्ड साइड ओरिएंटलिज्म का कॉन्सेप्ट देते हैं और कहते हैं कि जो यू नो जो कोई भी देश कॉलोनाइज था तो उस टाइम जो कॉलोनियल पावर थे उन्होंने अपनी तरीके से हमारे जो टेक्स्ट बुक थे, हमारे जो यू नो फेमस हमारे यू नो किताबें हुआ करती थी, उसको अपने हिसाब से उसको एक्सप्लेन करते थे, उसकी यू नो गलत उसका उन्होंने इंटरप्रिटेशन किया है, गलत ट्रांसलेशन किया है। ठीक है, सो इस वजह से उन्होंने फोकस किया था कि उन्होंने ये बुक लिखी थी ओरिएंटलिज्म की, कैसे हमारी बुक का यू नो गलत इंटरप्रिटेशन, गलत ट्रांसलेशन हमारे लोगों तक पहुंचाया गया है, एडवर्ड साइड ने अपनी इस बुक में लिखा था। तो वही चीज जो है ये इन्होंने साउथ एशियन स्टडीज में अपनी की थी, अपनी किस बुक में इन्होंने ये चीज़ समझाने की यू नो ओरिएंटलिस्ट क्रिटिक की बात की है। सो वो बुक थी इमेजिनिंग इंडिया। ठीक है, इमेजिनिंग इंडिया अपनी इस बुक में रोनाल्ड इंडन ने ओरिएंटलिस्ट क्रिटिक की बात की थी साउथ एशियन स्टडीज में अपनी बुक। ठीक है, सो ये आपको पता होना चाहिए। और ओरिएंटलिज्म का कॉन्सेप्ट किसने दिया ये भी पता होना चाहिए, एडवर्ड साइड ने। ठीक है, एडवर्ड साइड, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर सिग्निफिकेंट इन द ट्रेडिशनल इंडियन सिटीज। जो ट्रेडिशनल इंडियन सिटीज है उसमें कौन सा एक फैक्टर आपको सिग्निफिकेंटली देखने को मिलेगा? लैक ऑफ फेमिनिज्म, एटोमाइजेशन, प्रिंसिपल ऑफ हायरार्की, फॉर्मलाइजेशन। तो देखिए ट्रेडिशनल इंडियन सिटीज, नॉट कि अर्बन या फिर मॉडर्न इंडियन सिटीज़ की बात हो रही है, ट्रेडिशनल इंडियन सिटीज़ की बात हो रही है। मतलब हमारे यू नो जो इंडियन सिटीज़ हैं जो कि ट्रेडिशनल आज भी अपने ट्रेडिशन उसको फॉलो करती है, वहाँ की कौन सा सिग्निफिकेंट फीचर आपको फैक्टर आपको देखने को मिलेगा? तो वहाँ पर लैक ऑफ फैमिलाइजेशन नहीं मिलेगा, लोग आज भी वहाँ पर जुड़े होंगे। एटमाइजेशन नहीं मिलेगा, ये सब अर्बनाइजेशन की प्रॉपर्टी है, फॉर्मलाइजेशन भी अर्बनाइजेशन। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 3, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ हायरार्की वहाँ पर देखने को आपको मिलेगी। ठीक है, बिकॉज सोसाइटी जो कि ट्रेडिशनली जो गवर्न होती है वो अपने कस्टम और साथ ही साथ जो जनरेशन टू जनरेशन जो चेंजेस आ रहे हैं उससे गवर्न होती है। ठीक है, लेकिन उसका जो कस्टम है जो कल्चर है वो मेंटेन रहता है। ठीक है, तो ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी अपने कल्चर, ज्योग्राफी, कास्ट, इन सबको हमेशा अपनी एथनिसिटी को साथ लेकर चलती है, तो वहाँ पर हायरार्की भी आपको देखने को मिलेगी। और ये जो तीन है ये तीनों जो है क्या है? अर्बन सिटीज़ के कॉन्सेप्ट है। ठीक है, फीचर्स हैं। सॉरी, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा था, पोस्ट मॉडर्न एंथ्रोपोलॉजिस्ट सच एस जॉर्ज मार्कस, मिशेल फिशर, रेनाटो रोसाल्डो एंड पॉल रेबिनो, ठीक है, इन्होंने किस चीज़ की एडवोकेट किया था, किस चीज़ के बारे में स्टैंड लिया था या फिर कहा था कि हाँ ये चीज़ बहुत जरूरी है, इस पे इसकी बात की थी? ऑप्शन आर एक्सपेरिमेंटल एथनोग्राफीज, अदरिंग पीपल, होल कल्चर, फंक्शनलिस्ट रेवोल्यूशन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एक्सपेरिमेंटल एथनोग्राफीज। इन लोगों ने एक्सपेरिमेंटल एथनोग्राफीज की बात की थी और यू नो इन लोगों ने कहा था कि
जो जॉर्ज मार्कस थे, इन्होंने इन सब ने बात की थी कि हाँ हमें एक्सपेरिमेंटल एक एथनोग्राफिक अप्रोच लेना चाहिए, और ऐसा नहीं कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल पहले हम लोग किसी ट्राइब के बारे में स्टडी करते थे, ठीक है, सो ये नहीं कि पर्टिकुलर जगह पे है बस यहीं गए, अगर ये किसी दूसरे जगह पे यही सेम ट्राइब है या फिर यहाँ है तो हम वहाँ जाके उसकी स्टडी करें, उसके बारे में पता करें। साथ ही साथ जॉर्ज मार्कस जैसे एग्जांपल लेते हैं तो इन्होंने एलीट एंथ्रोपोलॉजी की बात की, एलीट क्लास है कहीं पर जिनके पास पावर है, जिनके पास मनी है, उसकी स्टडी की, ठीक है। साथ ही साथ इन्होंने आइलैंड और ग्रीनलैंड की भी स्टडी की है, ठीक है। सो इन लोगों ने बेसिकली जितने भी ये सब पोस्ट मॉडर्न एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, इन्होंने एक किसकी बात की थी कि एक्सपेरिमेंटल एथनोग्राफीज होनी चाहिए, ठीक, जिससे कि ऑब्जेक्टिविटी जो है सब्जेक्ट में और बढ़े ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब डिवीजन ऑफ क्लैन, क्लैन का सब डिवीजन क्या है, ट्राइब, लीनियज, फैमिली, मोइटी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बट कई बार लोग इस पर कंफ्यूज हो जाते हैं, सो आपको ये पता होना चाहिए कि सो डिसेंट ग्रुप में आपको पता है सबसे स्मॉलेस्ट जो होता है वो होता है लीनियज। लीनियज क्या होता है, ऐसा यू नो डिसेंट ग्रुप जिसमें हम अपने एंसेस्टर को ट्रेस कर पाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है क्लैन, क्लैन के बाद आता है ढेर सारे क्लैन मिलकर क्या बनाते हैं, फैमिली, और दो फ्लैटी मिलकर क्या बनाता है, मोइटी। ओके, मतलब सोसाइटी का अगर दो आप दो सब डिवीजन करते हैं तो मोइटी बनेगा, ठीक। तो क्लैन किस क्लैन का सब डिवीजन क्या है, लीनियज, ठीक, आपको ये पता चल गया, तो सर करेक्ट ऑप्शन विल बी लीनियज, ठीक है। ये कई बार अरेंज करने को भी आता है, लीनियज देन क्लैन देन फैटी देन मोइटी, ठीक है, फिर उसके बाद फिर ट्राइब, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर इलेवन को आपसे कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वाज मैरिलिन स्ट्राथन एम्प्लॉयड डीकंस्ट्रक्टिव मेथड। ये क्वेश्चन सॉल्व करा सकती हूँ जब मैंने मैरिलिन स्ट्राथन पे लेक्चर लिया है, ठीक है। तो आप उसमें देख सकते हैं, करेक्ट ऑप्शन इज द जेंडर ऑफ गिफ्ट। द जेंडर ऑफ गिफ्ट में मैरिलिन स्ट्राथन ने डीकंस्ट्रक्टिव मेथड यूज किया है, ठीक है। और अगर आपको इसके बारे में और जाना है तो आप वीडियो देख लीजिए, मैंने प्रॉपर एक्सप्लेन कर रखा है इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकल एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोच कैन कंडक्ट फेनोमेनोलॉजिकल स्टडीज। मतलब अगर आपको मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी में आपको फेनोमेनोलॉजिकल स्टडी करनी है तो आप कौन सा यू नो अप्रोच, किस अप्रोच से उसको डील करेंगे, आर्कियोलॉजिकल, बायोलॉजिकल, कल्चरल, इकोलॉजिकल, फिर क्रिटिकल। सो द करेक्ट ऑप्शन इज क्रिटिकल, ठीक है। क्रिटिकल अप्रोच हम रखेंगे बिकॉज मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी का क्या है, मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी वो ब्रांच एंथ्रोपोलॉजी की जो कि हेल्थ और कल्चर के बीच में रिलेशन देखती है, हेल्थ और कल्चर के बीच में, ठीक है, कि कल्चर और हेल्थ के बीच में क्या रिलेशनशिप है। फॉर एग्जांपल हमारे लिए जो डिजीज़ की डिफिनेशन है या फिर हम लोग जो डिजीज़ को समझते हैं, हो सकता है दूसरे कल्चर में डिजीज़ की डिफिनेशन अलग हो, वहाँ पर इलनेस का मतलब अलग हो, ठीक है। कैसे कल्चर हेल्थ को इफेक्ट करता है, ठीक है, ये सब चीज़ हम लोग किसे पढ़ते हैं, मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी पढ़ते हैं। और अगर हम एक फेनोमेनोलॉजिकल अप्रोच रखना है स्टडी के लिए तो वहाँ पर हम लोग क्रिटिकल अप्रोच से, अगर हमको फेनोमेनोलॉजिकल स्टडी करनी है तो वहाँ पर क्रिटिकल अप्रोच रखेंगे। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आइडेंटिफाइज द नेचर ऑफ बैकवर्डनेस अमंग द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड क्लास एस। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो किस तरह की बैकवर्डनेस की बात करता है, एससीज के लिए, एसटीज के लिए और ओबीसीज के लिए, ठीक है। ये आपसे पूछा कि किस तरह की बैकवर्डनेस की बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो ऑप्शन आर सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड, स्पेशली एंड इमोशनली बैकवर्ड, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड, सोशली एंड इकोलॉजिकली बैकवर्ड। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, दैट इज सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्डनेस की बात करते हैं। और मैंने सारे क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड अभी तक पूछे गए हैं एंथ्रोपोलॉजी में यूजीसी नेट में, मैं सारे सॉल्व करा चुकी हूँ। सो आप जाके वो वीडियो देख लीजिए, अगर आप वो वीडियो देख लेंगे तो जितने भी आर्टिकल्स हैं रिलेटेड टू एससी एसटीज एंड ओबीसीज आपको वो सारे आर्टिकल्स आपके प्रिपेयर हो जाएंगे, आपके क्वेश्चन सारे प्रिपेयर हो जाएंगे। तो आपको मैं जरूर कहूँगी आपको जाकर वीडियो देखें, पूरा वीडियो देखें, ठीक है। सो ये आपको पता होना चाहिए कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्डनेस हम लोग पढ़ते हैं आर्टिकल 15D में। आर्टिकल 15D ये डेजिग्नेट करता है कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्डनेस ऑफ क्लासेस ऑफ एससीज एसटीज एंड ओबीसी, ठीक है, उनके सोशल और एजुकेशनल बैकवर्डनेस के बेसिस पे, ठीक है, उनको आइडेंटिफाई किया गया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 इज वेरी इजी क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फूड फॉरेजिंग सोसाइटी। फूड फॉरेजिंग सोसाइटी मतलब क्या हो गया, हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी, ठीक है। सो ऑप्शन आर कास्ट बेस्ड, क्लास बेस्ड, सेगमेंटरी, इगैलिटेरियन। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी इगैलिटेरियन। आपको पता है कि जो हंटिंग और गैदरिंग सोसाइटीज होती हैं उनको ही फॉरेजर्स कहा जाता है, और वो इगैलिटेरियन होती हैं बिकॉज वो क्लोज किनशिप रिलेशनशिप में रहती हैं दूसरे से, ठीक है। और यू नो उनके बीच में और वो हमेशा हंटिंग और गैदरिंग पे बिलोंग, यू नो उनका उनकी जो लिविंग लिवलीहुड होती है वो उसी पर डिपेंड करती है, और हमेशा कोच क्लोज किनशिप रिलेशनशिप में रहते हैं और हर चीज नेचर उनको प्रोवाइड करता है। सो या सो द करेक्ट ऑप्शन इज इगैलिटेरियन। सो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फूड फॉरेजिंग सोसाइटी। फूड फॉरेजिंग सोसाइटी मतलब हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी। ऑप्शन आप देखिए, कास्ट बेस्ड, क्लास बेस्ड, सेगमेंटरी या फिर इगैलिटेरियन। अब आप बहुत इजी क्वेश्चन है कि की कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी की, इगैलिटेरियन होती है, किनशिप बेस्ड रिलेशनशिप होता है ना, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, बैंड ट्राइब चीज़ स्टेट, बैंड स्टेट में होती हैं ये, ठीक है। सो हर चीज़ किनशिप बेस्ड, किनशिप ही जज करता है, सब साथ में रहते हैं, नेचर से हर चीज़ यू नो हंट और गैदर करके खाते पीते हैं रहते हैं, ठीक है, इनका लिवलीहुड इसी पर डिपेंड करता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग एंथ्रोपोलॉजिस्ट डेवलप्ड अ फ्रेमवर्क टू डेवलप्ड अ फ्रेमवर्क फॉर द स्टडी ऑफ ह्यूमैनिटी इन इट्स सोशल, कल्चरल, बायोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल डायरेक्शन विदाउट रिड्यूसिंग वन टू द अदर। मतलब कौन से इसमें से एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे जिन्होंने ह्यूमैनिटी की स्टडी उसके सोशल, बायोलॉजिकल, कल्चरल, इन्वायरमेंटल हर डायमेंशन से स्टडी की है, ठीक है। सो ऑप्शन आर क्रिस्टियन हास्ट्रॉप, फ्रेडरिक बर्ट, टिम इन गोल्ड होना चाहिए यहाँ पर, एंड जोनाथन स्पेंसर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, दैट इज टिम इन गोल्ड, दैट इज टिम इन गोल्ड। ओके, सो टिम इन गोल्ड ने स्टडी की थी, जो ह्यूमैनिटी की स्टडी की है फ्रॉम सोशल, कल्चरल, बायोलॉजिकल, हर पर्सपेक्टिव से उसकी स्टडी की है, ठीक है, ह्यूमैनिटी की। ओके, और जो ऑप्शंस इनको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, क्रिस्टियन हास्ट्रॉप जो थी ये एक डेनिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट थी, ठीक है, और इन्होंने बेसिकली काम किया है थिएटर और एंथ्रोपोलॉजी में,
का जो रिलेशन है दोनों के बीच में, थिएटर और एंथ्रोपोलॉजी के बीच में जो रिलेशन है उसकी स्टडी की है। देन फ्रेडरिक बर्थ ये नॉर्वे के एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, नॉर्वेनियन, और इन्होंने काम किया है पाकिस्तान के स्वाट पठान्स पे काम किया है। इसके साथ साथ इन्होंने जो एथनीसिटी है उस पर वर्क किया है, काफ़ी एथनीसिटी पे काम किया है, और इन्होंने जो फॉर्मलिस्टिक स्कूल है इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी में उस पर भी काम किया है फ्रेडरिक बर्थ ने। नेक्स्ट है जोनाथन स्पेंसर, ये ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं और इन्होंने काम किया है बेसिकली बुद्धिज्म पे काम किया है इन्होंने, ठीक है। इन्होंने श्रीलंका में फील्ड वर्क किया है और इन्होंने काफ़ी कुछ मतलब पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी में नेशनलिज्म, वायलेंस, इन सब चीज़ों पे काम किया है, और साथ ही साथ इन्होंने जो हिस्ट्री है एंथ्रोपोलॉजिकल थीरी की उसको उस पर बहुत अच्छा वर्क किया है। एंथ्रोपोलॉजिकल थीरीज की जो हिस्ट्री है उस पर काफ़ी अच्छा काम किया है, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन, सारे ऑप्शन हमने डिस्कस कर लिया और करेक्ट ऑप्शन है टिम इनगोल्ड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछ रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज फर्स्ट एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्राइब कास्ट कॉन्टिन्यूम। ट्राइब कास्ट कॉन्टिन्यूम का कॉन्सेप्ट सबसे पहले किसने एक्सप्लेन किया था? रेटली ब्राउन, रॉबर्ट रेडफील्ड, मैकिन मैरियट या फिर एफ जी बेली। सो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग हमेशा से पढ़ते आए हैं। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, दैट इज एफ जी बेली। बट यहाँ पर अगर एफ जी बेली की जगह सुरजीत सिन्हा होते तो हम लोग सुरजीत सिन्हा के साथ जाते, ओके। लेकिन यहाँ पर कह रहा है फर्स्ट किसने एक्सप्लेन किया था, तो एफ जी बेली थी। लेकिन अगर एफ जी बेली ऑप्शन में मान लीजिए नहीं है और वहाँ पर सुरजीत सिन्हा दे रखा है तो आप सुरजीत सिन्हा के साथ जाएंगे, ठीक है। ठीक, और रेडफील्ड, रॉबर्ट रेडफील्ड ने किसका कॉन्सेप्ट दिया है ये आपको पता होना चाहिए, और मैकिन मैरियट ने भी, इन दोनों का, दोनों, ठीक है। तो मैकिन मैरियट का तो पता है यूनिवर्सलाइजेशन एंड पैरोकलाइजेशन, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि किस कॉन्टिन्यूम को की बात किया है रॉबर्ट रेडफील्ड में, मैं बता चुकी हूँ, सो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछा है, डायग्नोसिस ऑफ क्रोमोसोम एन्यूप्लॉइडी ऑफ अनबॉर्न चिल्ड्रन इज नॉर्मली डन बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ एम्ब्रियोसिंथेसिस, सेल कल्चर एंड, मतलब आगे आपको बताना है और क्या होता है, मतलब देखिए इसको समझते हैं। क्रोमोसोमल एन्यूप्लॉइडी क्या है, देखिए अगर यहाँ पर क्रोमोसोमल एन्यूप्लॉइडी ना लिख के म्यूटेशन लिखा होता तो भी ये क्वेश्चन को हम लोग वैसे सॉल्व करते, बिकॉज एन्यूप्लॉइडी इज अ टाइप ऑफ क्रोमोसोमल म्यूटेशन, म्यूटेशन का एक टाइप है, ठीक है। जब मैं म्यूटेशन पढ़ाऊंगी तो आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी एन्यूप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी, ओके। सो क्रोमोसोमल म्यूटेशन है कि जब क्रोमोसोम के नंबर या फिर कम हो जाते हैं या फिर ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। सो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब हम लोग किसी अनबॉर्न बेबी में, मान लीजिए कोई फीटस है, ठीक है, जो भी अपनी मदर की यूट्रस में है, उसके अगर क्रोमोसोमल एन्यूप्लॉइडी की स्टडी कर रहे हैं इन ऑर्डर टू डायग्नोस कि उसमें कोई बच्चे में कोई क्रोमोसोमल कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है बच्चे में, सो उसमें हम लोग क्या क्या करते हैं, तो इसमें दो ऑप्शन दिया कि सबसे पहले तो हम लोग एम्नियोसेंटेसिस करते हैं, एम्नियोसेंटेसिस करते हैं, देन सेल कल्चर, और उसके बाद क्या तीसरा स्टेप क्या होता है। तो सबसे पहले एम्नियोसेंटेसिस समझ लेते हैं। सो एम्नियोसेंटेसिस में बेसिकली क्या होता है, अभी क्योंकि क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, कभी मैं इस पर प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी, बताऊंगी आपको, बट अभी समझ लीजिए कि एम्नियोसेंटेसिस में जो यूट्रस होता है उसमें जो एम्नियोटिक फ्लूइड होता है जिससे बच्चे को, जो बच्चे को शॉक से बचाता है किसी तरीके की मदर के वूम के अंदर, सो वहाँ से एम्नियोटिक फ्लूइड को हम लोग एक एक सिरिंज के थ्रू उसको कलेक्ट करते हैं, और कलेक्ट करने के बाद उसमें उसको सेल कल्चर में ले जाते हैं, फिर उसकी स्टडी करते हैं। तो वो तीसरा स्टेप क्या होता है, वो तीसरा स्टेप होता है कैरियोटाइप पिक का, ओके। मतलब कैरियोटाइप एनालिसिस, मतलब हम क्रोमोसोम को अरेंज करते हैं और उसके बाद फिर क्रोमोसोम की स्टडी करते हैं कि जितने भी 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो सही है कि नहीं, ऐसा तो नहीं है कि क्रोमोसोम के नंबर बढ़ गए हैं या फिर कम हो गया जिससे बच्चे के अंदर किसी तरह का सिंड्रोम देखने को मिले, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कैरियोटाइपिंग करते हैं, ठीक। आई होप आपको समझ में आया होगा। देन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछा है, ग्रोथ हार्मोन्स दैट प्रमोट ग्रोथ हैज एन इफेक्ट ऑन जस्ट अबव एवरी सेल इन द बॉडी सीक्रेटेड बाय, मतलब ग्रोथ हार्मोन जो कि ग्रोथ प्रमोट करता है साथ ही साथ जिसका इफेक्ट बॉडी की हर एक सेल पे होता है, मतलब हर एक सेल बॉडी की ग्रोथ करती है तभी ह्यूमन बॉडी माय बॉडी होती है, हमारी जो हाइट या फिर जो हमारी पर्सनालिटी बचपन में होती है फिर उसके एडोलेसेंस में एंड देन और एडल्ट होने पे, सो वो कैसे चेंज होती है क्योंकि माय बॉडी ग्रो कर रही है, तो किसकी वजह से कर रही है, किसी ग्रोथ हार्मोन्स की वजह से, ठीक है। वो ग्रोथ हार्मोन्स कहाँ से सीक्रेट होता है, एड्रेनल ग्लैंड से, थायराइड ग्लैंड से, पिट्यूटरी ग्लैंड से, टेस्टिस या फिर ओवरी से। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज होता है, ठीक है। एड्रेनल ग्लैंड से एड्रेनलिन हार्मोन्स रिलीज होता है, ठीक, जिसको फाइट एंड फाइट हार्मोन्स भी कहते हैं। थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन रिलीज होता है, थायरॉक्सिन रिलीज होता है जिसको आपको पता है कि जिससे अगर ये ना हो तो गॉइटर डिजीज होती है, ठीक, ठीक है, इसमें आयोडीन की फिगर कमी हो जाए, ठीक है। और टेस्टिस और ओवी, टेस्टिस मेल में और ओवरी फीमेल्स में, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन और यहाँ पर ऑस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, काफी टाइम हो जाता है तो कोई चीज रिकॉल करने में टाइम लगती है, बट या नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, होमोफ्लोरियंस इज द पिग्मी फॉसिल डिस्क्राइब ब्राउन एटल इन 2004 व्हाट डिस्कवर्ड फ्रॉम। देखिए आपसे पूछ रहा है कि होमोफ्लोरियंस जिसको पिग्मी फॉसिल भी बोलते हैं, जिसको ब्राउन और एटॉल मतलब बेबी इस बार या फिर किसी एक बार क्वेश्चन पूछा गया है एटॉल का मतलब एंथ्रो के पेपर में, सो एटॉल मतलब अदर, ठीक है, एक्सेट्रा या फिर अदर, ठीक। जब हम सारे जितने भी रिसर्चर उनका नाम लिखकर एटॉल लिखते थे, मतलब अभी इनके साथ और लोग भी थे, ठीक है, अदर्स। सो 2004 में डिस्कवर किया था होमोफ्लोरियंस को, कहां से डिस्कवर किया था? ऑप्शन आर इंडोनेशिया, इटली, स्पेन, इथियोपिया। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, दैट इज इंडोनेशिया से, इंडोनेशिया के लियांग बुआ से होमोफ्लोरियंस को ब्राउन एंड और दूसरे रिसर्चर ने इसको 2004 में डिस्कवर किया था। और ये एक सेपरेट लाइन है, ये होमो इरेक्टस से एक सेपरेट लाइन ये ड्रॉ करता है ये होमोफ्लोरियंसिस, और इसको कई बार द हॉबिट भी बोलते हैं, पिग्मी फॉसिल्स के साथ साथ द हॉबिट भी बोलते हैं इसको, तो आपको ये भी पता होना चाहिए, ठीक है, द हॉबिट भी इसको बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। सो द लास्ट क्वेश्चन इज, ऑस्ट्रोपिथेकस एफारेंसिस जिसको हम लूसी भी कहते हैं, वो कहाँ पाई गई थी, लिफ्ट इन मतलब ईस्ट अफ्रीका, सेंट्रल अफ्रीका, साउथ अफ्रीका या फिर वेस्ट अफ्रीका। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, दैट इज ईस्ट अफ्रीका। सो आपको पता होना चाहिए कि जो एफारेंसिस के फॉसिल्स थे वो हैदार और लियोटली इन रीजन से मिले थे, लियोटली
इन रीजन से पाए गए थे ऑफ ईस्ट अफ्रीका और ऑस्ट्रोपिथेकस, इसको एफरेंसिस को लूसी भी कहते हैं। इसको डिस्कवर किसने किया था? इसको डिस्कवर किया था जॉनसन ने। ओके, इसको डिस्कवर किया था जॉनसन ने इन द ईयर 1974। और इनका नाम लूसी क्यों पड़ा था, इसके पीछे की स्टोरी मैं आपको जाते जाते बता देती हूँ कि जब इसकी डिस्कवरी हो रही थी तब जॉनसन और जो दूसरे एक्सकेवेटर थे उनके रेडियो और समथिंग वहाँ पर बीटल्स, जैसे अभी इस टाइम बहुत बीटीएस का क्रेज़ है, वैसे बीटल्स ब्रांड जो बैंड था उसका बहुत उस टाइम क्रेज था बीटल्स बैंड का, तो उस पर उसी का एक गाना लूसी था, वो बहुत फेमस था और वो बज रहा था। सो उस टाइम इन लोग ने ऑस्ट्रोपिथेकस एफरेंसिस को डिस्कवर किया था, इसी वजह से इसका नाम लूसी पड़ गया। ठीक, इसके अलावा जो दूसरे ऑस्ट्रोपिथेकस के मेंबर हैं वो जैसे अफ्रीकैनस हैं जिसको टुआंग बेबी भी बोलते हैं। ओके, और इसकी डिस्कवरी की थी रेमंड डॉट ने। और कौन है, रोबस्टस, इसको रॉबर्ट ब्रूम ने की थी इसकी स्टडी। और बसोई, इसको नट क्रैकर मैन भी बोलते हैं, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, इसको लीकेन इसकी स्टडी की थी, इसको डिस्कवर किया था। सो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक, सो आज के लिए इतना ही, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, न सिर्फ सॉल्व करेंगे, प्रॉपर डिस्कशन करेंगे जैसा भी किया है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आपको पता है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को शेयर भी करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।